सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। देवी नर्मदा क्यों रह गई कुंवारी, आज जानिए वो ऐतिहासिक प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रह गई। नर्मदा राजा मैखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह की योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उसे राजकुमार सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह के लिए कुछ दिन बचा हुआ था और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनभद्र को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है, और इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के बाद जब जुहिला अलौट करना आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने को चली गई, परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। यह दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापिस न आई, और उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर लिया कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी।